मसीह उदास नहीं होता। मसीह उदास नहीं होता, क्यों? ये मसीह तो पिता के साथ बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह गरीब नहीं हो सकता क्योंकि मसीह आपके लिए गरीब बना। जब वो गरीब बन गया, क्यों बना वो गरीब? ताकि आप और मैं अमीर हो जाए। कौन सा धन? हेलो, क्या चाहिए बोलिए। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमीन। मुझे सामर्थ चाहिए। मैं यहां फिर आऊंगा सामर्थ लेने के लिए, और सामर्थ लेता रहूंगा। मैं आत्मा की भरपूरी में चलूंगा, मैं आत्मा के अभिषेक में चलूंगा, मैं आत्मा में खो जाऊंगा। हालेलुया। आज आपको मसीह की चाल चलनी है, आज आपको अपनी गवाही को बनाना है, आज आपके पास आशा होनी चाहिए, आज आपके पास जवाब होना चाहिए। किसी को समय असमय तैयार रहो जवाब देने के लिए। कोई आपसे पूछे कि आप मसीह हैं? हाँ, मैं मसीह हूं। प्रेज द लॉर्ड। आशीष लेने के लिए मसीह, और कहीं गवाही देने के लिए फस मसीह नहीं, खत्म नहीं। आपको समय असमय हर समय मसीह बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा? तब जागृति आएगी। हालेलुया। तब जागृति आएगी, और जागृति फैलता 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 चलेगा। रिवाइवल होगा आत्मिक जागृति। हमारे चर्च का नाम क्या? आत्मिक जागृति। तब आत्मिक जागृति होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे 3 साल के बच्चे वचन बोलेंगे, हमारे 2 साल के बच्चे आमीन। तब आप कहेंगे, देखो देखो ये तो 6 महीने का है, ये हाथ पता नहीं क्यों ऐसे करके सोया है, पास्टर पता नहीं ये 2 साल का घुटने टेक के पता नहीं क्यों बैठा है। वो आप लिखता है आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु। जब आप वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपको मालूम है, तो आप यीशु को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि यीशु ही वचन है। जब आप वचन में हिलते डुलते नहीं है, तब आप यीशु के लिए नहीं हिलते डुलते, क्योंकि यीशु वचन है। ओ धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपके नाम को। खुदा बाप यीशु के नाम धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह, यीशु के नाम। ओ राबा बाबा शिकला बुरा राबा कला बुरा लुकुरा राबा शिकला, ओ राबा बाबा शिकला बुरा राबा कला बुरा लुकुरा शिकला। Thank you, Father. Oh, Lord, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. In your hand, I'm sure. Hallelujah, hallelujah. In your hand, thank you, Lord. Oh, hallelujah. In your hand, permission. Yeshua, your hand. Ab jitna jyada sangati karenge, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य को। अंतिम समय में बाइबल कहती है ज्यादा से ज्यादा संगति किया करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए जितना आप संगति करेंगे, वचन सुनेंगे, उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। अगले वीरवार परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक बात बोली थी कि जो मैं आज आपको बोलूंगा। अगले वीरवार आप सब रुमाल लेकर आए, अपना अपना रुमाल लेकर आए,
और जो यहाँ तक नहीं आ पाते, जिनके घर दूर है, आपके रिश्तेदार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन तक वो रुमाल पहुँचाएंगे और वो चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम। हम सब इस इतवार के लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु हम इस इतवार को तेरे पवित्र हाथ में सौंपें। प्रभु हम इस इतवार पर भी हम चाहते हैं जो लोग आए वो आशीषित हो, तेरे रूह के मसे को, तेरी रूह का मसा उनके जिस्म पर, रूह पर वास करिए। धन्यवाद पर विश्व, वो मैं जानता हूं कुछ इस इतवार आप कुछ अलग दिखाएंगे, मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ अलग आप कुछ अनोखा वचन हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम में, मसीह यीशु के नाम में, आमेन 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 हालेलुया। आप कौन खुश है, ध्यान से सुनिएगा,